क्वेश्चन ये है कि ब्लॉक बी के रिस्पेक्ट में ब्लॉक सी का एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है और यहाँ पर फ्रिक्शन अब्सेंट है, देयर इज नो फ्रिक्शन एनीवेयर। तो इसको प्रोसीड करते हैं। तो सबसे पहले ब्लॉक सी पर न्यूटन सेकेंड लॉ अप्लाई करते हैं। ये ब्लॉक सी है और इसका मास स्मॉल एम के इक्वल है, तो इस पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में इसका वेट स्मॉल एम जी एक्ट कर रहा है। और हम मान लेते हैं कि ब्लॉक बी ब्लॉक सी पर नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स एन अप्लाई कर रहा है, तो इस पर अपवर्ड डायरेक्शन में ब्लॉक बी नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स एन अप्लाई कर रहा है। तो हम देख सकते हैं कि ब्लॉक सी पर सिर्फ वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर ब्लॉक बी और ब्लॉक सी के बीच में कोई भी फ्रिक्शन नहीं है, तो ब्लॉक सी पर कोई भी हॉरिजॉन्टल फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है। तो ये कंफर्म हो गया कि ब्लॉक सी का एक्सेलरेशन स्ट्रेट लाइन में होगा। ठीक है, ब्लॉक सी का जो एक्सेलरेशन है वो वर्टिकल स्ट्रेट लाइन में होगा। तो हम मान लेते हैं कि ब्लॉक सी का एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में ए के इक्वल है। ठीक है, सो वी हैव एम जी माइनस एम इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन एंड दिस इज इक्वेशन वन। ठीक है, अगेन ब्लॉक बी पर भी न्यूटन सेकेंड लॉ अप्लाई करते हैं। ये वेज ए फिक्स्ड है, ये एंगल थीटा के इक्वल है। तो सबसे पहले ब्लॉक बी का वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में कैपिटल एम जी एक्ट कर रहा है, बी का मास कैपिटल एम के इक्वल है। ठीक है, अगेन वेज ए इस पर मान लेते हैं नॉर्मल फोर्स एन डैश अप्लाई कर रहा है और ब्लॉक सी डाउनवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन फोर्स एन अप्लाई करेगा। ठीक है, तो इस तरह से ब्लॉक बी का फ्री बॉडी डायग्राम कंप्लीट हो गया। अब हम मान लेते हैं कि ब्लॉक बी का एक्सेलरेशन डाउन द इंक्लाइन प्लेन ए डैश के इक्वल है। ठीक है, और हम डाउन द इंक्लाइन प्लेन इस पर न्यूटन सेकेंड लॉ अप्लाई करते हैं। तो एम जी का कॉम्पोनेंट डाउन द प्लेन एम जी साइन थीटा होगा और साथ में नॉर्मल का कॉम्पोनेंट भी डाउन द प्लेन टेन साइन थीटा होगा। देख सकते हैं कि नॉर्मल और एम जी दोनों डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं, एम जी प्लस एन, ये एंगल थीटा है। तो हम देख सकते हैं कि ये वाला एंगल भी थीटा होगा और इसका कॉम्पोनेंट डाउन द प्लेन एम जी प्लस एन साइन थीटा है। सो वी हैव कैपिटल एम जी प्लस एन साइन थीटा इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन एम इंटू ए डैश, दिस इज इक्वेशन टू। ठीक है, तो यहां हमारे पास टोटल थ्री अननोन्स हैं, ए अननोन है, ए डैश अननोन है और एन अननोन है। तो यहां पर एक और इक्वेशन रिक्वायर्ड है। तो यहां पर ब्लॉक बी और ब्लॉक सी दोनों हमेशा कॉन्टेक्ट में हैं, तो वहां से हमें ए और ए डैश में एक इक्वेशन बन जाएगा। तो ये ब्लॉक बी है और ये ब्लॉक सी है। ठीक है, ब्लॉक सी का एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में ए के इक्वल है और ब्लॉक बी का एक्सेलरेशन डाउन द इंक्लाइन प्लेन ए डैश के इक्वल है। ठीक है, और यहां पर ये एंगल थीटा के इक्वल है, मतलब ये एंगल थीटा के इक्वल है। तो आप देख सकते हैं कि ए डैश का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो जाएगा ए डैश कॉस थीटा और इसका वर्टिकल कंपोनेंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में ए डैश साइन थीटा के इक्वल होगा, ए डैश साइन थीटा।
थीटा, ठीक है। नाउ ब्लॉक बी और ब्लॉक सी दोनों इस सरफेस के अलोंग कॉन्टैक्ट में है, तो इस सरफेस के नॉर्मल दोनों का एक्सेलरेशन इक्वल होना चाहिए। तो हम देख सकते हैं कि इस सरफेस के नॉर्मल मतलब डाउनवर्ड डायरेक्शन में ब्लॉक सी का एक्सेलरेशन ए के इक्वल है और डाउनवर्ड डायरेक्शन में ब्लॉक बी का एक्सेलरेशन ए डैश साइन थीटा के इक्वल है। सो ए मस्ट बी इक्वल टू ए डैश साइन थीटा, ठीक है। सो वी हैव ए इक्वल टू ए डैश साइन थीटा एंड दिस इज इक्वेशन थ्री, ठीक है। लेकिन हमें यहां पर ब्लॉक सी का एक्सेलरेशन ब्लॉक बी के रेस्पेक्ट में फाइंड आउट करना है। तो हम देख सकते हैं कि नॉर्मल टू द सरफेस, दिस इज द सरफेस ऑफ कॉन्टेक्ट, इसके नॉर्मल दोनों का एक्सेलरेशन तो इक्वल है, तो ब्लॉक सी का एक्सेलरेशन ब्लॉक बी के रेस्पेक्ट में ए डैश कोस थीटा हो जाएगा, ठीक है, टुवर्ड्स राइट इस तरफ, ठीक है। सो वी हैव टू फाइंड ए डैश कोस थीटा, ये हमें फाइंड आउट करना है। ए डैश कोस थीटा इज द एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक सी विथ रेस्पेक्ट टू ब्लॉक बी। तो सबसे पहले ए डैश फाइंड आउट करते हैं, तो एन को यहां पुट करते हैं और ए को इसमें पुट करते हैं, तो दिस इंप्लाई दैट एन की वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं, ये हो जाएगा एम जी इक्वल टू एम ए दैट इज ए डैश साइन थीटा प्लस एन, प्लस एन की वैल्यू हो जाएगी एम ए डैश बाई साइन थीटा माइनस कैपिटल एन, ठीक है। तो यहां से हम ए डैश की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। सो दिस इंप्लाई दैट कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम इंटू जी इज इक्वल टू ए डैश इंटू हो जाएगा स्मॉल एम साइन स्क्वायर थीटा प्लस कैपिटल एम होल डिवाइड बाई साइन थीटा, ठीक है। सो दिस इंप्लाई दैट ए डैश इज इक्वल टू कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम जी साइन थीटा डिवाइडेड बाई कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। सो एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक सी विथ रेस्पेक्ट टू ब्लॉक बी, एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक सी विथ रेस्पेक्ट टू ब्लॉक बी इज इक्वल टू ए डैश कॉस थीटा। सो दिस इंप्लाई दैट एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक सी विथ रेस्पेक्ट टू ब्लॉक बी इज इक्वल टू ए डैश की वैल्यू यहाँ से पुट करते हैं, ये हो जाएगा कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम इंटू जी साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाई कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम साइन स्क्वायर थीटा, तो आंसर हो गया, ठीक है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। थैंक यू।